कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमने यही डिसाइड किया कि जो हमारे पास है उसी में हमें सेटिस्फाइड रह के उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। आज बहुत सारा प्यार लोगों का मिल रहा है हमें, तो शायद इसका रीज़न यही है कि हमने अपने बिज़नेस को प्रायोरिटी दी, अपने बिज़नेस को इम्पोर्टेंस दी है, और इसीलिए आज हम यहाँ हैं आपके सामने। इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स जो डाले हैं वो है कॉर्न, पनीर एंड वेजिटेबल्स एंड पिज़्ज़ा बेस के लिए मैंने डाला है बर्गर का बन, ताकि जिससे जो बन का टेस्ट है ना पिज़्ज़ा बेस का काम करे, उससे टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाता है। इसका प्राइस है ओनली 140 रुपीज़। तो ये रेडी हो गया भाजी? जी कुल्लड़ पिज़्ज़ा रेडी है सर आपका। ये पूरा रेडी नहीं है बट अच्छा, अभी और भी कुछ आएगा? जी बिल्कुल, अभी इसके ऊपर मोजरेला चीज़ आएगा, फिर इसके बाद ये बेकिंग में ओवन के अंदर जाएगा। एंड एक्चुअल में लास्ट के 8 महीने से इसको इतना प्यार मिल रहा है, मतलब हर कस्टमर इसके लिए जो एक बार खाता है वो सारा ही रिपीट कस्टमर है हमारे पास। ये अब जाएगा ओवन के अंदर। पिज़्ज़े को जो है कुल्लड़ में डाल दिया गया है यहाँ पे, तो ये बन गया जी कुल्लड़ पिज़्ज़ा। तो कुल्लड़ पिज़्ज़ा ये हमारा बन के रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हो ये गरम है, एक मैंने ऐसे ही हाथ में पकड़ लिया। एक सेकंड पहले हम बटर पेपर लगा देते हैं इसको। तो कुल्लड़ पिज़्ज़ा बनके हमारा रेडी है, तो आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप जी, ये हमारा कुल्लड़ पिज़्ज़ा रेडी है। चलो टेक इट, आप टेस्ट करो, आप बताओ आपको कैसा लगा। तो काफ़ी यूनिक आइटम्स यहाँ पर आपको खाने के लिए मिल जाएंगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही प्यार से सर्व करते हैं, और कस्टमर हैंडलिंग का तरीका इनका बहुत ही ज़्यादा शानदार है। वैसे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको हो सकता है कि आधा आधा घंटा एक एक घंटा यहाँ पे इंतज़ार भी करना पड़े अपनी बारी के लिए। बट एक्चुअल में हम आधा घंटा एक घंटा आपको बोर नहीं होने देंगे, हम आपसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं और उसकी हम वीडियोज़ भी शूट करते हैं, ताकि आप लोग हमारे साथ ऐसे एज अ फैमिली मेम्बर, मतलब आपको ऐसा लगे कि हम अपने घर पर बैठे बात कर रहे हैं और घर वाले खाना बना रहे हैं, तो वैसी फीलिंग्स के साथ बनाएंगे, बोर किसी को नहीं होने दिया जाएगा यहाँ पे। तो पाजी अभी आप सबसे वायरल हो चुके हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लग रहा है, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि लोग दूर दूर से चल के आ रहे हैं। क्या बात है जी। तो वो स्टोरी आपकी थोड़ी हम जानना चाहते हैं, ऑडियंस जानना चाहते हैं कि कैसे आप मिले थे, दोनों की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में मिलने का हमारा ऐसे होता है, मैं ना मिस्टर सिंह बना था पटियाला में, मॉडलिंग करता था, तो उसी टाइम पे ना थोड़ा सा मतलब मेरा सोशल मीडिया पे काफ़ी वहाँ पे ट्रेंड अच्छा चल रहा था, तो मतलब मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता था, तो उसी टाइम पे इनका ना जैसे इन्होंने मेरी एक फ़ोटो को लाइक की थी, सेम डे मैंने ना इनको फॉलो बैक किया एंड मैसेज किया, हाई टेक्स्ट किया। जब मैंने हाई टेक्स्ट किया तो इन्होंने उस टाइम पे मतलब एकदम से रिप्लाई नहीं किया, एक दो घंटे बाद इनका रिप्लाई आया। इनका रिप्लाई आने से पहले मैंने अपना मैसेज अनसेंड कर दिया था, मैंने कहा यार रिप्लाई नहीं आया, सब मैसेज नहीं करना। तो जब इनका मैसेज आया फिर उसके बाद मैंने मैसेज किया, तो हमारी बात कंटिन्यू हुई। पहले दिन बात करके इतना अच्छा लगा कि सेकंड डे मैंने प्रपोज कर दिया, और थर्ड डे इन्होंने हाँ भी कर दी, फोर्थ डे इन्होंने हाँ कर दी। सो फोर्थ डे जब इन्होंने हाँ की, देन उसके बाद फिर हमने फिफ्थ डे फैमिली से बात की, फैमिली भी मान गई पाँचवें डे। देन उसके बाद फिर हम 2 से 2.5 साल रिलेशनशिप में रहे, तब फिर जाके हमने शादी का डिसीजन लिया। ऑडियंस का अभी रिस्पांस कैसा आ रहा है, क्योंकि आप सबसे वायरल हो चुके हो पंजाब में नहीं पूरे इंडिया में अभी? एक्चुअल में कल हमारे पास एक कस्टमर आए थे, अंकल थे, उनको सामान देने में कम से कम 1.5 घंटा लग गया हमें, 1.5 से 2.5 घंटे 2 घंटे लगे, मतलब इतना ज़्यादा। बट उन्होंने वेट किया, वेट करते हुए लास्ट सम वो ये बोल के गए, कहते सेलिब्रिटी बर्गर खाने आए हैं तो इतना वेट तो करना पड़ेगा, उन्होंने ऐसी ब्लेसिंग और ऐसा प्यार देते हैं। तो गाइस कपल तो यहाँ पे फेमस है ही है, और साथ में इनके सिस्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आपके साथ आपका परिवार है तो मतलब आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हो। सो मेरे साथ मेरा परिवार, और ऊपर से गर्ल्स पावर, सुपर गर्ल्स मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ मेरी सपोर्ट करती हैं। मैं बहुत खुशी होती है ना दोनों नाल काम करके, क्योंकि असी मैं इन्हें ना भाभी की तरह नहीं, एक सिस्टर एज रहने हैं, असी हर एक गल शेयर करनी और एक दूजे की हेल्प करनी, बहुत वधिया लगता है। तो रूह नूर कौर इनका नाम है, तो जितना प्यारा नाम है उतनी प्यारी प्यारी ये रील्स डालते हैं, तो इनको आप सोशल हैंडल्स इनके जो है चेकआउट कर सकते हो जाके।